तो वही चार या पांच टीचर से आप समय कहाँ दे पाते हो? हाँ, नहीं दे सकते हैं तो सर अनुपात समय जब निकलता है तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देते होंगे सर, आप बिल्कुल देते होंगे, समय निकलता होगा, मैं एग्री करता हूँ। तो जगन्नाथ महतो जी और हेमंत सोरेन हर 10-15 दिन में कहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया को मैं तेज कर रहा हूँ, मतलब अभी पैसेंजर की तरह चल रहा था, अब एक्सप्रेस की तरह कर रहा हूँ। तो कहाँ से तेलंगाना से चला है पैसेंजर आपका कि अभी झारखंड में नहीं पहुँचा है, समझ में नहीं आ रहा है, कब नियुक्ति कराइएगा? ये जो लिखे हो ये पढ़ लोगे? पढ़ के सुनाओ तो क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए पढ़ने आता है? बराबर हिंदी में सब सही लिखा हुआ है लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहा है हिंदी, तो एक समस्या है कि आखिर ये लिखा है तो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है? लिख बराबर रहा है क्योंकि मैम देखिए इनको पढ़ने आना, देखिए राइटिंग लिखवाया जाता है, आप लोग का कर्तव्य है इनको, कम से कम गरीब का बच्चा लोग मानती है कि नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में वही पढ़ता है जो अति पिछड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा भी कमाता है ना अपने बच्चे को प्राइवेट में डाल देता है, है ना। तो हमारा और आपका और सर का भी फर्ज बनता है कि इनको कम से कम चौथी क्लास में जाने के बाद हिंदी आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए सभी बच्चों एक जैसा नहीं होता है सरकारी स्कूल में, कुछ एकरा जैसा तेजो होता है, इंग्लिशिया पढ़ सकते हो? हाँ, हाँ? हाँ। अरे अरे ये तो प्राइवेट फेल कर देगा लड़का, मैडम कैसे एगो एगो बनेगा आइंस्टाइन और एगो बनेगा का चीज मुखिया? और हमको और आपको और झारखंड के सभी जो नेतागण है उनको शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों हम इतना पीछे हैं, इतना खनिज संपदा होने के बाद भी क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं 22 साल के बाद भी? तो अभी मैं एक स्कूल के ग्राउंड में आ गया हूं और स्कूल का नाम आपको बता दूं, सामने देखिए लिखा हुआ है राजकीय कृत मध्य विद्यालय राहे रांची, डिस्ट्रिक्ट रांची में आता है, राहे से मतलब माफ कीजिएगा रांची से ये 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और स्कूल का ये ग्राउंड है, ग्राउंड में देखिए बरसात का मौसम है पूरा पानी भर गया है, एक बार देख लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है, समतल जमीन नहीं है इस वजह से पानी भर गया है, और इसका निकासी मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर है इस वजह से पानी भर गया। उधर देखिए साइकिल वाइकल लगी हुई है क्योंकि हमको लगता है कि दूर दूर से बच्चे आते होंगे। मध्य विद्यालय है मतलब कक्षा 1-8 पढ़ाई होती है, मतलब क्लास 1 से 8 तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और स्कूल का भवन देख लीजिए मिला जुला के ठीक लग रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए आप आइए यहाँ पर देखिए नल जल योजना के तहत पानी का इंतज़ाम किया गया है, एक बार आपको दिखा देते हैं, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर पानी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर स्टेशन में ऐसे लगाया जाता है नल जल योजना का जो है पानी वानी, देखिए यहाँ पर बराबर पानी आ रहा है। तो सरकारी स्कूल का ये स्थिति देख के मुझे अच्छा लगा कि कम से कम पानी वानी का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और आगे आइए लेके चलते हैं कैमरामैन मेरे साथ, थोड़ा सा कीचड़ उचड़ है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऊपर देखिए टैंकी लगाया हुआ है वहाँ पे दिखा दीजिए, आगे देखिए यहाँ पर डस्टबिन लगाया हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है कि यहाँ पर डस्टबिन भी लगाया हुआ है। और स्कूल का जो ये देखिए बरामदा है, बरामदे के अंदर स्कूल का जो दीवार है उस पर देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो बेसिक चीज़ें होता है, झारखंड का मानचित्र यहाँ पर मानचित्र बनाया हुआ है, और अच्छा है रूम नंबर 2 रूम नंबर 3, मतलब उधर दुतल्ला बिल्डिंग भी हमको देखने में लग रहा है। एक बार आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, इधर आइए, काफ़ी दिनों बाद मैं स्कूल में आया हूँ। और स्कूल का टाइमिंग आपको बता दूँ कि अब सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक हो गया है, और यहाँ पर शायद मैम है, मैं कमिंग मैम, ठीक है आप? वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जा बैठ जा। तो सबसे पहले कौन सा क्लासरूम है मैम? ये 3 है और इधर 4। कंबाइंड क्यों चल रहा है? टीचर नहीं है, टीचर्स नहीं है, नहीं। वो प्रॉब्लम पूरे झारखंड में है, देखिए जो टीचर्स जो है ना अनुपात के हिसाब से नहीं है, इस वजह से झारखंड के लगभग सभी स्कूलों में अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं होने की वजह से कंबाइंड क्लास चलाना पड़ रहा है। तो सरकार से विनती है कि शिक्षकों की बहाली करवाइए, बेरोजगारी कम होगी और ऐसे कंबाइंड क्लास नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 7 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है जगन्नाथ महतो जी, तो इनका भविष्य आखिर कहाँ जा रहा है मैं पूछना चाहता हूँ महतो जी से। अपर क्लास में भी कंबाइंड नहीं चल रहा है? नहीं, वो क्लास अलग अलग है। प्रधानाध्यापक आप हैं सर? आइए सर, प्लीज प्लीज कम सर, आइए सर इधर आइए। सबसे पहले भोकाल टीवी न्यूज में स्वागत है सर आपका, आपके स्कूल में आए हैं ये जानने पहचानने के लिए कि क्या चल रहा है। सबसे पहले
सर, सबसे पहले ये बताइए ना कि सर आपका स्कूल 128 है। 128 है, हाँ जी, मध्य विद्यालय है। टोटल बच्चे कितने हैं सर? हमारे यहाँ 274 बच्चे हैं। शिक्षक कितने हैं सर? हम लोग जो है सो अभी 7 हैं, जिसमें एक जो है सो अभी मातृत्व अवकाश में है, और अभी टीचर का जो है सो दूसरे जगह था, मैंने प्रतिनियोजन था, अभी जो आए हैं तो वही टोटल 6 टीचर कहा जाए। टोटल 6 टीचर है सब लेकर के। आपका तो आप बिजी रहते होंगे खाना उना उसके बाद भी तो अथी करते, लेकिन हम उसको तो समझा जाए कि अब है तो बिजी रहते ही हैं, तो वही 4 या 5 टीचर से आप समय कहाँ दे पाते होंगे? हाँ, नहीं दे सकते हैं है तो सर अनुपात समय जब निकलता है तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देते होंगे सर, आप बिल्कुल देते होंगे, समय निकलता होगा, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सरकार ने जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, उनको अलग अलग काम में बांध दिया। हालांकि जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जो शिक्षक है, जो प्रधानाध्यापक, उनको अलग कामों से हम लोग जल्द बहुत ही जल्दी छुटकारा दे देंगे, लेकिन कब देंगे मालूम नहीं। अच्छा, सवाल ये है ना सर कि तो अनुपात के हिसाब से तो है ही नहीं होंगे आप? नहीं, अनुपात के अनुसार तो नहीं है हमारे पास, नहीं। तो कंबाइंड क्लास 1 से लेके 8 तक चलता है? नहीं, कंबाइंड क्लास जैसे अब 1 हमारे यहाँ केजी भी है, जो छोटे बच्चे हैं। केजी भी है? केजी भी है हमारे यहाँ। अच्छा, तो केजी 1 और 2 उसको एक साथ हमको देखना पड़ता है, और बाकी जो ऊपर क्लास है हमारा सब सेपरेट है। 3-4 एक ही साथ चल रहा है? यहाँ 3 क्लास चल रहा है, क्योंकि 2 क्लास यहाँ चल रहा है, तो ये तो कंबाइंड चल ही रहा है। मजबूरी है? हाँ, मजबूरी है, वो तो हमको, क्योंकि बच्चे को देखना भी है, और ये ऐसा ना हो कि बच्चे अनुशासन न रहे, इसलिए कंबाइंड हम लोगों को खाना मिल रहा है लोगों को। हाँ, खाना मिल रहा है तो बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि खाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों से मैं बात कर लेता। देखिए, सवाल ये है, झारखंड के सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और नियुक्ति 7 साल से नहीं हुई है, तो जगन्नाथ महतो जी और हेमंत सोरेन हर 10-15 दिन में कहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया को मैं तेज कर रहा हूँ। मतलब अभी पैसेंजर की तरह चल रहा था, अब एक्सप्रेस की तरह कर रहा हूँ। तो कहाँ से तेलंगाना से चला है पैसेंजर आपका कि अभी झारखंड में नहीं पहुंचा है, समझ में नहीं आ रहा है। कब नियुक्ति कराइएगा, कब सरकारी शिक्षकों की बहाली कराइएगा, नहीं तो फिर इनका भविष्य क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, इनका भविष्य कौन तय करेगा? इनका भविष्य शिक्षक तय करेंगे, और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है। सर, पंखा का सर इश्यू देखिए ना सर, कैसे है वो, क्या कहना चाहिए? पंखा सर वैसे हो गया है? हाँ, पंखा हो गया है, वो लगता है कोई बच्चे जो है सो अभी 8 क्लास के बच्चे निकल रहे थे, हो सकता है कि वो किए ऊपर चढ़ के वो कर दिया। हाँ, लाइट वेट है यहाँ पर सर? कनेक्शन है हमारे यहाँ, लाइट वगैरह है, लाइट पंखा सब जो है सो कार्य है। अंतर यही होता है कि जैसे जो आजकल जो बिजली कड़क जो हो रही है, उसके चलते पंखा जो खराब हो जाता है, लेकिन अभी कुछ दिन, मैंने 2 महीना पहले हम सारा लाइट पंखा ट्यूब सारा चीज स्कूल में व्यवस्था था हमारे, वो तो देखा जा सकता जी, है जी, आप देख सकेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि सर ये आप लोग करवाए हैं, लिखवाए हैं? हाँ, हम लोग लिखवाए हैं। नहीं, ये चीज है क्योंकि ना बच्चा लोगों ना, क्योंकि सर देखिए प्राइवेट स्कूल में ना और सरकारी स्कूल में ये सब लोगों को मालूम नहीं होता है। सप्ताह के दिन, महीनों के नाम, समय, आकृति, यहाँ पहाड़ा मतलब टेबल, यहाँ पर क ख ग घ क का की सब लिखा हुआ है, मतलब एक एक चीज लिखा हुआ, अच्छी बात है। तो कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या नाम है? आशीष मुखिया। देखिए कितना, ताली बजाओ इसके लिए, देखो कितना प्यारा बच्चा है आशीष मुखिया। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताओ आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। वेरी नाइस, इंग्लिश बोला। अच्छा, ये बताओ कि आपको क्या क्या आता है? हिंदी पढ़ने आता है? हाँ। इंग्लिश पढ़ने? इंग्लिश नहीं आता है। अच्छा, क ख ग घ आता है? हाँ। ये जो लिखे हो ये पढ़ लोगे? पढ़ के सुनाओ तो, क्या लिखा हुआ है? खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है ये? नहीं सकेंगे। नहीं पढ़ पाओगे ना। देखिए, ये बच्चा बराबर उतारा है, इसमें लिखा हुआ है साइकिल चलाना किससे सीखा, तो आंसर इसमें लिखा हुआ है पापा से। ये तुम लिखे हो? लिखे हो तो तुम कहे नहीं पढ़ पा रहे हो? ABCD आता है? हाँ। पढ़ के सुनाओ तो, पढ़ो, डर मत, आराम से सुनाओ, भैया ना है तुम्हारे, सुना दो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ताली बजाइए, गुड, चलो, अच्छा लड़का है। और कुछ लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है? हिमेश साहब। हिमेश साहब, ये जो लिखे हो पढ़ने आता है? नहीं पढ़ने आता है। देखिए, यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखिए सभी के कॉपी में लिखा हुआ है हिंदी में
रिश्तेदारी के बारे में लिखा हुआ है कि क्या किसको कहते हैं। देखिए बच्चा बराबर लिखा है और अच्छा लिखा है, बराबर हिंदी में सब सही लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहा है हिंदी। तो एक समस्या है कि आखिर ये लिखा है तो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। तो सवाल है कि बनता है कि नहीं बनता है, कुछ नहीं पढ़ पाओगे जो लिखे। हाँ अच्छा, वहाँ जो लिखा हुआ है मैम ये उतारे हैं क्या? हाँ ये मैम इधर आइए, एक बार इधर आप आ जाइए प्लीज। अच्छा आप घुसे हैं। देखिए ये बच्चा जो है बराबर लिखा और अच्छा लिखा है, राइटिंग भी अच्छा बैठाया है, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहा है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर टीचर कम है तो हम लोग अधिकतर ऊपर क्लास ले रहे हैं ना, एक दो जन इधर कंबाइन लेते हैं, तो इसके चलते बच्चा लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए लिख बराबर रहा है क्योंकि मैम देखिए इनको पढ़ने आना, देखिए राइटिंग लिखवाया जाता है डेली, इसीलिए आप लोग का कर्तव्य है मैम कि इनको कम से कम गरीब का बच्चा लोग है, गरीब है ना, बच्चा मानती है कि नहीं मानती है? क्योंकि सरकारी स्कूल में वही पढ़ता है जो अति पिछड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा भी कमाता है ना अपने बच्चे को प्राइवेट में डाल देता है ना। तो हमारा और आपका और सर का भी फर्ज बनता है कि इनको कम से कम चौथे क्लास में जाने के बाद हिंदी आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए इसीलिए हम लोग इसीलिए उसको किए हैं। आप लोगों ने ये जो लिखा है ना ये प्रयास बहुत अच्छा लगा सर, ये एक नंबर का ये जो काम किया है आपने ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो लिखवा ये खड़ा हो तो बाबू वहाँ का लिखा हुआ है पढ़ो तो, ऊपर में कोने में पढ़ सकते हो? नहीं। कौन पढ़ेगा बताइए, कौन पढ़ के बताएगा इसके बारे में, कौन पढ़िएगा? आप चलो पढ़ो, देखो ये तेज लड़का है, चलो यहीं से पढ़ के बताओ, इधर आ जाओ तुम, बताओ यहीं से क्या लिखा हुआ है। महीनों के नाम, उसके बगल में सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन क्या कौन कौन सा दिन है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ताली बजाइए, वेरी गुड। अच्छा रविवार में व में कौन सा मात्रा लगा हुआ है? रविवार में हाँ, व में र के बाद हाँ। व है ना शब्द है हाँ। उसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है? हर्षिका। ताली बजाइए, वेरी गुड। देखिए सभी बच्चा एक जैसा नहीं होता है सरकारी स्कूल में, कुछ एकरा जैसा तेजो होता है। कैसे इतना तेज हो, घर पढ़ते हो जाके? हाँ, हाँ? हाँ। तुम लोग घर पढ़ते हो कि नहीं ये बताओ, कौन कौन पढ़ता है? हाँ? तो आपको पढ़ने आता है वो सब? हाँ, हाँ? हाँ, आता है हाँ। किस किस को आएगा उधर पढ़ने? आएगा तुमको हाँ। तुम खड़ा रहना, बैठो अभी तुम्हारे पास, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इधर आओ, इधर आओ। देखिए सर आपके यहाँ का बच्चा लोग कुछ लोग तेज तेज है, लेकिन जो कमजोर बच्चा है ना उसको आपको थोड़ा मेहनत करके कराना पड़ेगा सर, है ना? बेटा ये क्या लिखा हुआ है ये वाला बगल वाला ऊपर वाला? हाँ। महीनों के नाम। हाँ, तो महीना कौन कौन सा है शुरू में? हाँ। जनवरी हाँ। फरवरी हाँ। मार्च हाँ। अप्रैल हाँ। मई हाँ। जून जी। जुलाई हाँ। अगस्त हाँ। सितंबर हाँ। अक्टूबर हाँ। नवंबर हाँ। दिसंबर। ताली बजाइए, वेरी गुड। अब चलो इंग्लिशिया पढ़ सकते हो? हाँ, है? हाँ, अरे अरे ये तो प्राइवेट फेल कर देगा लड़का मैडम। हाँ, कैसे एगो एगो बनेगा आइंस्टाइन और एगो बनेगा का चीज मुखिया? ऐसा है कि प्रत्येक बच्चे डेली आते भी तो नहीं है। हाँ, चलो पढ़ के सुनाओ इंग्लिशिया वाला क्या है। जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी। फिर से पढ़ो फरवरी। फरवरी हाँ, एफ ई बी आर वाई यू ए आर वाई फरवरी। एम ए आर सी एच मार्च। ताली बजाइए, वेरी गुड, पढ़ लेगा बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि आगे क्या बनना चाहते हो पढ़ के? पढ़ के पुलिस। क्या पापा क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं। क्या काम? क्या काम का मतलब काम क्या करते हैं? मतलब होता है ना कि जैसे सर का मैडम का काम है पढ़ाना हाँ। मेरा काम है जैसे माइक लेकर रिपोर्टिंग करना। तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? घर बनाते हैं। घर मिस्त्री हैं हाँ। है? हाँ। इसके पापा मिस्त्री हैं। तुम आगे पढ़ के कुछ अच्छा बनना चाहोगे ना हाँ। या पापा जैसा करना चाहोगे? पापा जैसा नहीं, पुलिस जैसा बनना। ताली बजाइए यार, बहुत अच्छा। देखिए जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ना, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रांची से सटा हुआ है, लेकिन गरीबी इस कदर का जकड़ा हुआ है इस एरिया में कि जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। और हमको और आपको और झारखंड के सभी जो नेतागण हैं उनको शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्यों हम इतना पीछे हैं, इतना खनिज संपदा होने के बाद भी क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं 22 साल के बाद भी, तो सवाल है ये और हमको इसको बदलना पड़ेगा। अच्छा गाना गाते हो? नहीं। गाना कौन गाता है? बहुत अच्छा यार, इससे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है तीसरा आंख भी लगा हुआ है इस रूम में। क्या चलता है मैडम? फिलहाल नहीं चलता है सर, आपका प्रयास अच्छा है, कैमरा वैमरा सब लगा है, काहे नहीं चलता है सर? हम ऊपर इसको भेजे भी हैं, इसका वायरिंग जो है तो ठीक से करवा दिया जाए तो फिर अच्छा, शिक्षा विभाग आप लोग का बात कितना दिन में सुनता है? वो तो इसको नहीं कहा जा सकता है कितना दिन, दिनों की संख्या नहीं हो सकता है, महीनों और सालों की संख्या, वर्षों की संख्या हो सकती है। अच्छा, हाँ वो तो बात है, हाँ आप कहते रहे लेकिन जल्दी कोई सुनने वाला कोई नहीं है। जगन्नाथ महतो जी देखिए शिक्षा विभाग को सुधारिए, शिक्षा विभाग को निर्देश दीजिए कि अगर कोई भी समस्या होता है स्कूल में, चापा कल खराब होता है तो उसको बनने में सालों लग जाते हैं, उसको ट्वीट करवाना पड़ता है, उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना पड़ता है, तब जाके चापा कल बनता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि आज खराब हुआ कल शिक्षा विभाग में दिया परसों बन जाए? लेकिन नहीं, सरकारी काम है, औकात पता चल जाता है सरकार का। यहीं पर पापा क्या करते हैं? सैलून खोलते हैं। तो तुम ये बता सकती हो कि तुम कौन से राज्य में रहती हो? राहे। राहे तो जो आपका तुम्हारा प्रखंड है, गांव है, राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य में रहती हो। चलो बैठ जाओ, थैंक यू सो मच, आप लोग को बहुत अच्छा लगा बात करके, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और घर जाके पढ़िएगा ना, तेज बोलो। हाँ। पढ़ोगे ना? हाँ। घर जाके पढ़ना, क्योंकि मैं फिर एक सप्ताह बाद आऊंगा और आप लोग से पूछूंगा फिर सवाल, जो जो बता नहीं पाए हैं पूछेंगे ना। हाँ। वो देखो कितना तेज लड़का है स्टार्टिंग से, देखिए बैंक बेंचर जो होता है ना, पिछला बेंच वाला लड़का बहुत तेज होता है, देख लीजिए पीछे बैठा है, सब सवाल का जवाब दे दिया ही। तो अच्छा लगा बात करके, चलो आगे चलते हैं। मैम थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम।